लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही बिहार में सियासत भी गर्माती जा रही है। सीट शेयरिंग पर एनडीए हो या महागठबंधन, अभी तक माथापच्ची में ही लगा है कि कौन सी सीट पर किस पार्टी के कैंडिडेट को टिकट दिए जाएं। लेकिन अपनी अपनी दावेदारी को लेकर कैंडिडेट जरूर ताल ठोक रहे हैं। सबसे दिलचस्प है कि बिहार में मुंगेर का लोकसभा सीट, यहाँ मोकामा विधायक बाहुबली अरुण सिंह ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जिसके बाद से वर्तमान में मुंगेर से लोजपा सांसद वीणा देवी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। वीणा देवी पर लगातार अब अरुण सिंह हमले कर रहे हैं, जिसके बाद अब मुंगेर सीट को लेकर जारी रार के बीच लोजपा सांसद वीणा देवी ने एक बार फिर से मोकामा विधायक बाहुबली अनंत सिंह पर निशाना साधा है। गुरुवार को सांसद वीणा देवी ने अनंत सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि अनंत सिंह में इतनी पावर नहीं है कि वो मेरी जमानत जब्त करा सके। इसके साथ ही वीणा ने कहा कि अनंत खुद टिकट के लिए दर दर भटक रहे हैं। बता दें कि अनंत सिंह कांग्रेस से टिकट चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो सका है कि उन्हें कांग्रेस टिकट देगी या नहीं। टिकट नहीं मिलने की सूरत में अनंत सिंह निर्दलीय ही ताल ठोकने को तैयार हैं। ये पूछे जाने पर कि वो इस बार चुनाव में किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, सांसद ने बताया कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगी। मैं जहां चाहूं बिहार में टिकट ले सकती हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के फैसले का इंतजार कर रही हूं। पार्टी मुझे जहां से टिकट देगी मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगी। वीणा ने इसके साथ ये भी कहा कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगी और पूरे देश में फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि देश में एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मालूम हो कि बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर राजनीति का दौर लगातार जारी है। इस सीट से जहां बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने दावेदारी ठोक कर सभी को सत्ते में डाल दिया है, तो इस सीट से बिहार सरकार के मंत्री ललन सिंह को भी एनडीए का उम्मीदवार माना जा रहा है। बिहार की यह हॉट सीट फिलहाल एनडीए के खाते में है और बाहुबली सूरजधान की पत्नी वीणा देवी इस सीट से सांसद हैं। ललन सिंह की उम्मीदवारी के बाद वीणा देवी गुस्से में थी। वो किसी भी हाल में मुंगेर सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही थी, लेकिन लोजपा के एनडीए का हिस्सा होने के कारण वीणा देवी को अपने इरादे बदलने पड़े, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि नवादा या बेगूसराय लोकसभा सीट वीणा देवी के हिस्से आ सकता है। पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।